पहले हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा ही था। इतिहास की इतिहास में शब्द है उसका अर्थ है ऐसा ही था, यानी अब तक ऐसा ही हुआ जो हो चुका है उसको ही हम इतिहास कहते हैं, जो अतीत में हो चुकी जो घटनाएं हैं उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक इतिहास के जनक की हम बात करें तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस है वो इन्होंने पुस्तक लिखी हेरोडोटस ने और उसका नाम था स्टोरिका। स्टोरिका पुस्तक है हेरोडोटस की और उन्होंने इतिहास का प्रयोग इतिहास के बाद उसका प्रयोग पहली बार किया। आगे हम बात करें जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत का बेमुखपूर्ण अतीत। अतीत जो है उसी को हम इतिहास कहेंगे। अब ये अतीत कैसा है, क्या था आज से पहले वर्तमान से पहले जो अतीत है भारत का, वो हम इससे चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे उसका। तो भारत है प्राचीन काल से ही एक भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है। भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में था। भारत का जो वर्णन है वो पुराणों में भी मिलता है। पुराणों की हम बात करें और उसमें भी विष्णु पुराण में भारत वर्ष का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में भारत का उल्लेख किया गया है और भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में व्यक्त किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर व बर्फीले प्रदेश के उत्तर में जो प्रदेश है उसे भारतवर्ष कहते हैं और हम इसकी संतति हैं। अर्थात विष्णु पुराण के अनुसार जो समुद्र है जो सागर है उस सागर के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है वो प्रदेश भारतवर्ष कहलाता है। अर्थात भारत का उल्लेख पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण की परिभाषा दी गई है कि समुद्र के उत्तर में बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है
या इसके अलावा हम ये भारतवर्ष की बात करें तो भारत का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यूरोपीय इतिहासकार अलकार्ट के अनुसार, कर्नल अलकार्ट, कर्नल अलकार्ट ने कहा कि जो भारतीय भारतीय संस्कृति, तो ये पहले कर्नल अलकार्ट नहीं आएगा, इसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है उसके उत्तर में कुछ क्षेत्र है। उत्तर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे नेपाल, तिब्बत, असम, सिक्किम, बदक्सा, तिहरी, जम्मू कश्मीर, तिहरी आदि जो क्षेत्र है वो उत्तर के भाग में है। ये जो भारतवर्ष है इसके उत्तर में नेपाल, तिब्बत, असम, बदक्सा, जम्मू कश्मीर, तिहरी, कांगड़ा और आदि जो प्रदेश है वो हिस्सा है उत्तर में। इसके अलावा हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का जो ये क्षेत्र है इस पश्चिम में हिंदू पर्वत श्रृंखला और इसके अलावा अन्य पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित है पश्चिम में। उत्तर की बात करें ये जो प्रदेश भारतवर्ष है इस भारतवर्ष में के उत्तर में नेपाल, तिब्बत, असम, सिक्किम, बदक्सा, जम्मू कश्मीर, तिहरी, कांगड़ा आदि जो क्षेत्र है वो स्थित है। इसके पश्चिम में हिंदू पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। इस तरह से ये भारतवर्ष का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो स्थित है। अब हम भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने से पहले उसके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट हमारी बात होगी वो होगी भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और इसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास को जानना है हमें तो उससे पहले हमें इसके स्रोतों के बारे में जानना होगा। इन कौन-कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो हम बात करते हैं इतिहास या जो इतिहास है उसमें मानव का संपूर्ण इतिहास में मानव का संपूर्ण अतीत समाहित होता है। इतिहास में मानव का जो संपूर्ण अतीत है वो समाहित होता है और जिन इसमें इतिहास के अंतर्गत बात करें विज्ञान, अर्थशास्त्र,
समाज शास्त्र आदि जो विषय है वो सम्मानित होते हैं। राजनीति और राजनीति धर्म व दर्शन से संबंधित जो विषय है वो इतिहास विषय में समाहित है। विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र राजनीति और धर्म व दर्शन के संबंधित जो विषय है वो इतिहास में समाहित है। तो इतिहास को हम विज्ञान भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र धर्म और दर्शन का भाग माना जा सकता है। इतिहास का जो अध्ययन है जिन साधनों के द्वारा इतिहास का अध्ययन जिन साधनों के द्वारा इतिहास का अध्ययन होता है उसे साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य कहा जाता है तो अर्थात हम कह सकते हैं साक्ष्य या स्रोत। ये साक्ष्य या स्रोत एक ही बात है। इसमें जो जिन साधनों के द्वारा इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें साक्ष्य या स्रोत कहते हैं। इसके बाद में इतिहासकार यूरोपीय इतिहासकार है उन्होंने परिभाषा दी। नाम उनका है कर्नल अलीकार्ट। कर्नल अलीकार्ट ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार उन्होंने कर्नल अलीकार्ट ने कहा कि मानव संस्कृति व कर्नल अलीकार्ट के अनुसार ये अलीकार्ट की जो परिभाषा है उन्होंने परिभाषा दी। क्या परिभाषा है? कर्नल अलीकार्ट के अनुसार मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता और संस्कृति का सबसे पहले विकास हुआ मानव विकास उसके दौरान सभ्यता और संस्कृति का सबसे पहले विकास हुआ वो कहाँ पे हुआ? भारत में ही हुआ। तो अलीकार्ट महोदय ने ये परिभाषा दी कि मानव संस्कृति का उद्भव भारत में ही हुआ। इसके पश्चात जो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की विशेषता विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की विशेषता विविधता में एकता है। भारतीय संस्कृति या भारतीय जो इतिहास है उसको जानने की स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने की स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को जानने की स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। यहाँ साहित्य स्रोत की अगर बात की जाए तो साहित्य स्रोत में विभिन्न प्रकार के जो साहित्य लिखे गए धर्म से संबंधित या धर्म के अलावा जो भी साहित्य लिखा गया वो जिसके माध्यम से इतिहास की जानकारी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो तो साहित्य स्रोत कहलाते हैं। ऐसा साहित्य जिसके माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो साहित्य स्रोत और ऐसे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है कि
जो लाइन या अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और उनके माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है वो प्रातात्विक स्रोत कहलाते हैं। प्रातात्विक उत्खनन या अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोत पहला इसमें पहला जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जिस साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है वह साहित्यिक स्रोत कहलाता है। साहित्यिक स्रोत को भी तीन भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य। पहला जो है वो है धार्मिक साहित्य। दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा जो आता है इसमें वो है वंशावलियां। तो साहित्यिक स्रोत है वो तीन भागों में बांटा गया है धार्मिक साहित्य धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। इसमें जो पहला है धार्मिक साहित्य उसमें धर्म से संबंधित जिन जिन धर्मों विभिन्न जो धर्म है धर्मों के जो साहित्य है उन साहित्यों में इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो धर्म विशेष से संबंधित जो साहित्य लिखे गए उन साहित्यों में भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धर्मेतर धर्म के इतर यानी धर्म के अलावा भी कुछ साहित्य लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है इसका साहित्य स्रोत का वंशावलियां। वंशावलियों में के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और ये न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्य है वंशावलियां। तो इस तरह से साहित्यिक स्रोत के तीन भाग और हम एक एक का इसमें अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत के तीन भाग धार्मिक साहित्य भूमिगत साहित्य और वंशावलियां। तो साहित्य स्रोत का पहला जो पार्ट है उसमें हम अध्ययन करेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य में कुछ भाग है इसमें जैसे इसमें आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इसमें ब्राह्मण यानी वैदिक धर्म है ब्राह्मण या वैदिक ग्रंथ है उसके बारे में जो साहित्य लिखा गया उसके माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस ब्राह्मण जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ में वेद पुराण आरण्यक उपनिषद सारे ग्रंथ ग्रंथ में आएंगे। इसके अलावा और जो साहित्य लिखा गया उससे भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो जैन साहित्य है जैन ग्रंथ है उनके माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा जो भाग था धर्मेतर साहित्य धर्मेतर साहित्य में विभिन्न प्रकार की बातें ऐतिहासिक ग्रंथ विशुद्ध विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ क्षेत्रीय साहित्य और
विदेशियों का या विदेशी विदेशी यात्रियों का वर्णन है। तो ये धर्मेतर धर्म के अलावा ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, ऐसे कुछ साहित्य हैं जिनके माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया है, ये साहित्य क्षेत्रीय साहित्य कहलाता है। इसके माध्यम से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा कुछ विदेशी आए भारत में और उन्होंने जो साहित्य लिखा यहाँ से जाने के पश्चात, उसके माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो साहित्यिक स्रोत था वो है वंशावलियाँ। वंशावलियों की अगर बात की जाए तो ये एक इतिहास के स्रोत के रूप में मान्य है, इतिहास के स्रोत के रूप में मान्य है। तो साहित्यिक स्रोत तीन प्रकार का, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। इसके बारे में ये स्रोत में इसके में इस धार्मिक साहित्य में कौन से ग्रंथ आएंगे, कौन सा साहित्य आएगा, धर्मेतर साहित्य में कौन सा आएगा, इसके अलावा वंशावलियां क्या कार्य करती है, इतिहास के स्रोत के रूप में मान्य है। तो इस तरह से स्रोत में ये वर्णन, इसके अलावा हम धार्मिक साहित्य जो है उसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा जो ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से धर्म के बारे में लिखा गया। तो वो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें भी पहला है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो इसमें सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद। और वेद है वो विद धातु से बना है, विद धातु से बना और उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ में वो है वेद। और वेद ज्ञान, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। इन वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है, तो वेद है वो ज्ञान के समृद्ध भंडार है। और वेद की जो भाग है वेद चार है, चार वेद है। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो वेद चार है और चार वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। वेद सबसे पहले जो वेद त्रयी, यानी सबसे पहले इन तीन वेदों की रचना की गई, इसलिए इन तीनों वेदों को, तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना की गई महर्षि अथर्वा के द्वारा, इसलिए ये बाद का वेद है। सबसे जो पहले तीन वेद है उनको वेद त्रयी कहा गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ये ऋग्वेद है वो क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा इसमें 10598 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अगर बात करें तो इनको मंत्र भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो वेद है, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन,
ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित जो चिकित्सा है उसका अध्ययन किया जाता है। आयुर्वेद संबंधित जो चिकित्सा है उसका अध्ययन ऋग्वेद में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो रचना हुई वो इसकी रचना है छंदों में, वेदों की रचना छंदों के रूप में हुई। तो चार वेद, वेद चार और चार में पहला वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10598 ऋचाएं या मंत्र है। यहाँ इसकी जो ऋग्वेद की रचना हुई वो छंदों के रूप में हुई, और ये जो ऋग्वेद है वो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा जो वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह याद करने का जो तरीका है वो यह से यज्ञ, तो ये यज्ञ यानी यज्ञ से संबंधित जो जानकारी है वो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यज्ञ से संबंधित जानकारी वो यजुर्वेद से, यानी हम यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे तो यज्ञ जो कर्म कांड है, यज्ञ से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है, उससे संबंधित जो जानकारी है वो यजुर्वेद में प्राप्त होती है। तीसरा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद, सामवेद की बात की जाए तो सामवेद संगीत का वेद माना गया है। तो आर्यों के द्वारा जो ऋचाएं गाई जाती थी, आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली ऋचाएं वो इसमें है सामवेद में, इसलिए इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है। संगीत का वेद भी सामवेद को कहते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद तीन वेद हम पढ़ चुके हैं, तीन वेद वेद करी है, चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में की बात की जाए तो इसकी रचना है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई अथर्ववेद की, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद में ब्रह्म ज्ञान और चिकित्सा से संबंधित है, विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा है वो इसमें ही जानकारी मिलती है हमें। इसके अलावा तंत्र मंत्र कर्म कांड झाड़फूंक जो भी ये क्रियाएं हैं वो अथर्ववेद के अंतर्गत आती है। औषधियों का प्रयोग, शत्रुओं का विनाश, ये सब इसी में है। औषधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है तंत्र मंत्र में आएगा, शत्रु का विनाश कैसे, तो इस तरह से अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। तो इस तरह से ये चार वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद, चार वेद है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि इन वेद है उनके भाग चार, वेद चार थे लेकिन इनके वेदों के भाग, तो वेदों के भाग भी चार है, और चार जो भाग है उनको कहा गया है। पहला है संहिता, दूसरा है आरण्यक, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक,
और चौथा है उपनिषद, यानी वेदों के चार भाग है, ये भी चार थे और वेदों के भाग भी चार है, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। हम बात करते हैं ब्राह्मण, यज्ञ और कर्मकांड से जो संबंधित है वो ग्रंथ है यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित जो जानकारी है वो ब्राह्मण, यानी ये वेदों का जो भाग है ब्राह्मण, उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा संहिता है, ये वेदों की व्याख्या होती है, इसमें संहिता के द्वारा वेदों की व्याख्या की जाती है, ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। आरण्यक, आरण्यक का जो अर्थ है वो इसमें जो दार्शनिक विषय है, दार्शनिक विषयों की जानकारी हमें आरण्यक के माध्यम से प्राप्त होती है। तो वेदों के चार भाग और चार भाग में पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो उपनिषद की हम बात करें तो उपनिषद ये इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्यों वेदांत भी कहा जाता है? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण, अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की बात करें हम तो उपनिषद कुल संख्या में 108, उपनिषदों की संख्या कुल 108 है और कुछ जो उपनिषद है उसमें या इसमें उपनिषदों के माध्यम से मूल विषय और जो नैतिक आचरण, व नियमों की जानकारी। तो वेदों के चार भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में वेदों की व्याख्या मिलती है, ब्राह्मण में यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जानकारी, आरण्यक में दार्शनिक विषय की जानकारी, उपनिषद उपनिषद को क्या कहा जो नाम है वो वेदांत भी है। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है। कुल संख्या की बात की जाए तो इन उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसमें उपनिषद में मूल विषय और नैतिक आचरण तथा नियमों के जो नैतिकता से संबंधित जो नियम है उनकी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से वेदों के चार भाग। फिर इसमें आता है वेदांत साहित्य, वेदांत यानी वेदों के अंग, वेदांग साहित्य। वेदों के अंतिम अंग, वेदों के अंतिम अंग है इसलिए इनका नाम वेदांग है और इनकी संख्या है वेदांग 6 है। हम वेदांग साहित्य की बात करते हैं, वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य के लिए क्यों लिखा गया है? तो वैदिक साहित्य को सही तरीके से समझने के लिए, वैदिक साहित्य को सही तरीके से समझने के लिए, यानी वैदिक साहित्य को लिखा गया वो वैदिक साहित्य को सही तरीके से समझने के लिए वैदिक साहित्य लिखा गया। वेदांग है वो कुल 6 है, वेदांग कुल 6 है। अब ये 6 कौन कौन से हैं तो हम बात करते हैं कि ये है शिक्षा, कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, व्याकरण निरुक्त, छंद, शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस तरह से वेदांग है कुल 6 है, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
इसके बारे में हम उपवेद भी है, यानी वेदों के उपवेद भी माने गए हैं, और वो ही जैसे वेद चार है उपवेद भी चार है। वेदों के उपवेद, हम बात करें ऋग्वेद की, सॉरी ये चार है उपवेद है, वो भी चार है, और पहला है आयुर्वेद, आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्व वेद, और चौथा है शिल्प वेद। ये चार उपवेद है, और ये चार जो वेद है उनके उपवेद है। आयुर्वेद की बात करें अभी भी हमने पढ़ा था, ऋग्वेद किससे कौन सी चिकित्सा से संबंधित था, आयुर्वेद से संबंधित था। इसका मतलब ये आयुर्वेद है, इसका उपवेद हुआ ऋग्वेद का, तो ये ऋग्वेद का वेद है। क्वेश्चन में आप लिख सकते हो नीचे वेद का नाम। धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से संबंधित है, यानी ये यजुर्वेद का वेद है। गंधर्व यानी संगीत का, और संगीत का वेद कौन सा था, सामवेद। तो गंधर्व जो वेद है वो सामवेद का है, और शिल्प वेद है अथर्व वेद का। तो इस तरह से इन चार वेदों के चार उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। फिर इसके अलावा उपवेद जो है, वेदों के उपवेद के अलावा इसमें जो जैसे आयुर्वेद हमने देखा था, तो आयुर्वेद में चिकित्सा, आयुर्वेद में चिकित्सा की जो जानकारी है वो मिलती है। दूसरा हमने देखा इसमें धनुर्वेद, तो धनुर्वेद में पहला आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्व वेद, और चौथा है शिल्प वेद। तो पहले में चिकित्सा के बारे में, दूसरे में वास्तुकला, वास्तुकला इसमें संगीत, और शिल्प वेद है उसमें सैन्य विज्ञान, सैन्य और विज्ञान से संबंधित ये शिल्प वेद है। तो इस तरह से इसके जो से संबंधित जानकारी है उपवेदों की वो मिलती है। इसके अलावा स्मृति साहित्य, अगला जो है वो है स्मृति साहित्य। स्मृति जो साहित्य लिखा गया उसमें प्रमुख रूप से दो, एक मनुस्मृति और एक है यावलक्य स्मृति। सबसे जो प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना गया है। स्मृति साहित्य के माध्यम से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाकाव्य, महाकाव्य जो साहित्य है उसमें दो महाकाव्य माने गए हैं, रामायण और महाभारत, रामायण व महाभारत। और महाकाव्य काल में जो महाभारत है उस महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है, पांचवा वेद महाभारत को कहा गया है। तो रामायण और महाभारत के माध्यम से भी हमें भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं पुराण, पुराण कुल जो संख्या है पुराणों की वो 108 है, पुराणों की संख्या 108 है, सॉरी 18 है, पुराण संख्या में 18 है। और प्रमुख जो पुराण है वो है मार्कंडेय, वायु पुराण,
विष्णु पुराण भागवत पुराण आदि आदि ये कुछ पुराण है उनके बारे में भी हमें। इसके अलावा एक है मत्स्य मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को माना गया है, सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनमें मात्रे वायु पुराण विष्णु पुराण भागवत पुराण मत्स्य पुराण आदि ये है और इनमें सबसे जो प्राचीन है वो मत्स्य पुराण माना गया है। इनमें सांस्कृतिक जो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसकी जानकारी सबसे ज्यादा पुराणों में मत्स्य पुराण में मिलती है। इसके बाद में इसके प्रमुख जो विषय है प्रमुख विषय पुराणों के वो है सर्ग प्रतिसर्ग सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर मनवंतर वंश और वंशानुचरित। तो इस तरह से पुराणों के प्रमुख पांच विषय है और ये पांच विषय सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर वंश और वंशानुचरित। इस तरह से आज ये जो हमने साहित्यिक स्रोत पढ़ा उस साहित्यिक स्रोत में भी पहला हम देखे थे धार्मिक साहित्य। तो इस तरह से धार्मिक साहित्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो है